यंगस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान वर्ल्ड टी ट्वेंटी के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। आज शाम 6:30 बजे ठहर जाएगा देश। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की बादशाहत की जंग लड़ेगी धोनी की सेना। 7 साल बाद टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया, पूरे देश को कप की आस। गेंदबाज बल्लेबाज दोनों लय में, टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है टीम इंडिया। श्रीलंका की चुनौती नहीं आसान, और तीसरी बार वर्ल्ड टी ट्वेंटी के फाइनल में है श्रीलंका। आईसीसी के टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने का मौका, लगातार वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत। अब तक कभी नहीं बना ऐसा रिकॉर्ड, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जीत की हैट्रिक लगाने का शानदार मौका। टूर्नामेंट जीते तो धोनी के खाते में जुड़ जाएगा चौथा तमगा, देश की झोली में इससे पहले डाल चुके हैं आईसीसी के 3 खिताब। विराट कोहली के बल्ले से लंकाइयों को रहना होगा सावधान, 242 रनों के साथ बल्लेबाजों में टूर्नामेंट में सबसे आगे हैं। अश्विन की फिरकी से भी होगी देश को उम्मीदें, अब तक टूर्नामेंट में ले चुके हैं 10 विकेट। पश्चिमी यूपी में आज सजेगा सियासी समर, मोदी राजनाथ मुलायम मायावती दिग्विजय सिंह की रैलियां। पश्चिमी यूपी के धामपुर अलीगढ़ में मोदी की भारत विजय रैली। दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर बागपत कैराना गौतम बुद्ध नगर में रैली करेंगे राजनाथ सिंह। मुजफ्फरनगर कैराना शामली बागपत में होंगे मुलायम के निशाने पर, दंगों के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर आएंगे मुलायम। पश्चिमी यूपी में आज मायावती भी बोलेंगी हल्ला, मेरठ बागपत में बीएसपी की रैली को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी का स्थापना दिवस, दिल्ली में 1 लाख बूथ लेवल मैनेजर्स को संबोधित करेंगे मोदी। दिल्ली में भाषण देंगे मोदी, लेकिन देश भर के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनेंगे मोदी का भाषण। गुजरात की तरह लोकसभा चुनाव में भी 3D अवतार में उतरेंगे मोदी, एक साथ सैकड़ों रैलियां करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज गर्जेंगे बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, उदित राज के लिए मांगेंगे वोट। योयो हनी सिंह भी बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार, आज बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश सिंह के साथ जनसंपर्क। जसवंत सिंह का संकट ले सकता है बेटे मानवेंद्र सिंह की विधायकी, विधानसभा सदस्यता रद्द होने की नौबत। पिता के लिए वोट मांगने की तस्वीरें बनी आधार, राजस्थान बीजेपी ने कहा मानवेंद्र ने तोड़ा पार्टी संविधान। वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महाभारत से की बनारस की लड़ाई की तुलना, कहा नरेंद्र मोदी पांडव कृष्ण के रूप में, भारत की जनता मोदी के साथ। कोयंबटूर में करुणानिधि की वोटरों से भावनात्मक अपील, कहा आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के मोदी पर आए बयान का वसुंधरा राजे ने दिया जवाब, कहा कौन किसके टुकड़े करेगा चुनाव के बाद पता चलेगा। राजस्थान कांग्रेस ने वसुंधरा के बयान पर जताया एतराज, चुनाव आयोग की वसुंधरा पर कार्रवाई की मांग। रांची में ममता बनर्जी ने की रैली, बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती हुए शामिल। रैली के दौरान आपे से बाहर हुए वरुण गांधी, बात कर रही महिलाओं को लगाई डांट, तो रैली में साल भर के बच्चे के रोने पर भी आ गया गुस्सा।
गलती नहीं हो। बैठ जाइए, सिट डाउन पे, सिट डाउन पे, बैठ जाइए बन्ना। एक मिनट तक नहीं रह सके। कल होने वाले पहले दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी। शुक्रवार शाम खत्म हुआ चुनाव प्रचार। रविवार को होगा असम त्रिपुरा की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इलाहाबाद के कौशाम्बी से आप प्रत्याशी स्वर्णलता सुमन के घर 50 लाख की चोरी, कहा अब बिना पैसे कैसे लड़ूं चुनाव। आप प्रत्याशी ने प्रगतिशील पार्टी के प्रत्याशी पर लगाया चोरी का आरोप, प्रगतिशील पार्टी ने चोरी को बताया नौटंकी। चोरी के आरोपी प्रत्याशी पुलिस हिरासत के मामले में जांच जारी, पुलिस ने साधी चुप्पी। आम आदमी पार्टी का अनोखा कमाल, कानपुर के अकबरपुर सीट से 2 नेताओं को थमा दिया टिकट। अरविंद कुमार, अशोक यादव को पार्टी ने दिया टिकट, दोनों ने दर्ज कराया नामांकन। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट है तैयार, केवल औपचारिक ऐलान की है देरी। हरिद्वार से हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को मिल सकता है टिकट, टिहरी से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा होंगे उम्मीदवार। पौड़ी सीट पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिल सकता है टिकट, नैनीताल से केसी बग्गा, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को टिकट। दिल्ली पुलिस का बाइकर्स के खिलाफ अभियान, 400 से ज्यादा बाइकर्स गिरफ्तार, 250 से ज्यादा बाइक्स जब्त। पुलिस ने पहले दी थी बाइकर्स को चेतावनी, न मानने पर बाइकर्स की पिटाई भी की। दिल्ली के आदर्श नगर से आप विधायक अखिलेश चतुर्वेदी से हुई मारपीट, एक फैक्ट्री मालिक पर पिटाई का आरोप। फैक्ट्री के सामने विधायक की कार पार्किंग के बाद शुरू हुआ विवाद, चांदनी चौक लोकसभा का हिस्सा है आदर्श नगर विधानसभा। नागपुर में पुलिस की बेरहमी, आज तक पर दिखाए जाने के बाद एएसआई प्रकाश वानखड़े को किया गया सस्पेंड, बुजुर्ग महिला से बेरहमी से की थी पिटाई। ब्राजील में बच्चों ने किया वर्ल्ड कप का विरोध, कहा वर्ल्ड कप पर बेपनाह खर्च के बजाय शिक्षा और रोजगार पर खर्च करे सरकार। चिली में भूकंप के बाद राहत कार्यों पर उठे सवाल, आधारभूत सुविधाएं मुहैया न करा पाने पर सरकार का विरोध। यूके में घोड़ों की रेस में हुआ अजूबा, 5 साल पहले रिटायर हो चुके एस्पल घोड़े ने मारी बाजी।